मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सीएम योगी आज 21,000 से ज्यादा लाभार्थियों को आवास निर्माण की पहली किस्त ट्रांसफर कर रहे हैं। सीएम योगी एक क्लिक से करीब 87 करोड़ की पहली किस्त ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुके हैं। कार्यक्रम में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ कई मंत्री, नेता और अधिकारी मौजूद रहे। रसोई गैस के सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में लोगों को जानकारी दी थी, तो एक गरीब भी रसोई गैस का सिलेंडर लेने की क्षमता रखता रह सकता था, क्योंकि उसे मालूम है फ्री में मिलेगा, मुझे क्या करना है इसके साथ, उसको जानकारी हो और थोड़ी उसकी ट्रेनिंग करा दी जाए, वह भी अपने लिए सुविधा ले सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार का अभाव, इन योजनाओं से वंचित उसको, इन योजनाओं से वो वंचित रह जाता है। और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत ही पर्याप्त कार्य है, अन्य तमाम योजनाओं में पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है, हम उनको कार्य उपलब्ध कराएं गांव गांव में, और जो पैसा कमाता उससे उसकी कुछ बचत की आदत भी डलवाएं, जिससे अपना नया कार्य प्रारंभ कर सके। एक बड़ा कार्य हो सकता है, एक एक परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में आपकी थोड़ी भी भूमिका एक व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये संख्या और बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 76,000 से ऊपर जा रही है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये 76,000 परिवार अब तक आवास से वंचित थे, और इतने परिवारों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य इस योजना ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री आवास की योजना हरेक गरीब के हरेक गांव की तस्वीर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके, इस विश्वास के साथ मैं ग्राम्य विकास विभाग को योजना के प्रति रुचि लेने, हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ देने, क्योंकि मैं देख रहा था आपदा से प्रभावित लोगों का, आपदा में कहीं बाढ़ आती थी, कहीं अग्निकांड के शिकार लोग हो जाते थे, किसी अन्य अतिवृष्टि के कारण या किसी अंधड़ के कारण बहुत बार लोगों के मकान और झोपड़ियां टूट जाती थी या मकान उनके क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उन्हें फिर से मकान नहीं मिल पाते थे, जो मुआवजे की राशि मिलती थी बहुत छोटी सी मिल पाती थी, तात्कालिक मिल पाती थी, वह बेचारा जीवन भर की पूंजी से मकान बनाता था, मकान आपदा का शिकार हो जाता था, और एक बड़ी संख्या में आपदा के शिकार लोगों को भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। मैं लाभार्थियों को 21,500 से अधिक लाभार्थियों को आज जो सुविधा प्राप्त हो रही है उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा इस राशि का उपयोग आप मकान बनाने में खर्च करेंगे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, शासन की योजनाओं से जुड़ करके, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो शासन की इन योजनाओं से जुड़ करके आप अपने जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य करेंगे, और अगर गरीब के चेहरे पर खुशहाली है तो फिर समाज और अंततः पूरे देश की खुशहाली वह बनती है, वह कार्य हम सब करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, और प्रशासन से जो हमारा जिले के हमारे जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं, इन सबसे कहूंगा कि ये केवल आवास योजना तक सीमित न रहे, बल्कि सभी प्रकार की योजनाओं को हम इन गरीबों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से ग्राम्य विकास विभाग को इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए विश्वास करूंगा कि हम अन्य गरीबों तक भी इस योजना को अतिशीघ्र पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, विभाग का साथ इस कार्यक्रम के। बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। सीएम आवास योजना ग्रामीण के जरिए लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई एक क्लिक के जरिए, कई लाभार्थियों को इससे लाभ मिलेगा क्योंकि सीधे उनके खाते में ये राशि पहुंची है।